Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore ke saath main hu Syeda Armala Hassan. Umeed karti hu aap sab bilkul theek honge. Janab, aaj ke din ka aagaaz karenge ek research ke saath. Aur wo research kuch interesting bhi hai aur kuch tips bhi aapko milenge us research mein. Sometimes humare saath ye hota hai. बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम के हम बातें भूल जाते हैं. हमारी मेमोरी के जो दो पोर्शंस होते हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है. इन तमाम चीज़ों में जो हम आमतौर पर नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको बहुत कम टाइम के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं. और वो जो कम टाइम होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, आपने कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ देखी है, आपने कोई अच्छी गाड़ी देखी है, आपने कोई साइन बोर्ड देखा है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है. और फॉर द लॉन्गर रन वो आपको कहीं ना कहीं किसी टाइम के बाद जाकर भूल भी जाती हैं. इन केस अगर आपको गाड़ियों से प्यार नहीं है, अगर आपको गाड़ियां बहुत पसंद है तो डेफिनेटली वो जो अच्छी गाड़ी आपने देखी होगी वो आपको बहुत पसंद होगी. तो जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं या हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं तो हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है. यानी कि अगर आपका कोई अजीज़ है, आपके वालिदैन हैं जो आपसे बहुत जिनसे आपको बहुत प्यार होता है, आप उनकी बातें या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में हमेशा याद रहती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी हिस्सा होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी का. अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा याददाश्त को सही तौर पर करना चाहते हैं, अभी हम आज के शो में डिमेंशिया के हवाले से भी बात करने वाले हैं जिसका एक बहुत ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है आपकी मेमोरी के साथ. डेफिनेटली ये उसमें भी ये डॉक्टर साहब हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है. लेकिन कुछ टिप्स जो मेरे पास रिसर्च में लिखी गई मैं आपके साथ शेयर करती चलूंगी. जनाब, अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिल के करीब होती हैं वो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं, सेव रहती हैं और आपको हमेशा याद रहती हैं. लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी टिप्स होती हैं कि हम उसको याददाश्त को जो आपको बहुत कह लें कि एक्सपैंड करने में या इसको इन्हांस करने में मददगार साबित होती है. अक्सर लोग जब जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जैसे ट्रैवलिंग का शौक होता है, या हमारा जो बिलीव है कि हम खाना काबा को जब भी देखते हैं तो वो माइंड या वो मंजर जो है, जो लोग भी हज या उम्रा जिनकी सआदत मिलती है वो कोशिश करते हैं और वो जब वो आके बताते भी है कि उनकी पहली नज़र जो होती है वो उनके दिमाग में, उनके जहनों में हमेशा महफूज रह जाती है. इसी तरह जो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, वो किसी अपनी पसंदीदा जगह पर जाएँ तो उनके माइंड में भी वो चीज़ रह जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में शुमार होती है. अगर आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें. ये एक टिप है और वो ऊंची आवाज़ में इस तरह से पढ़ना है कि अगर अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि भई हम बुलंद आवाज़ में किस तरह से पढ़ें फिर भी याद नहीं होता अगर हम पढ़ भी रहे, तो इसका हल ये है कि आप इस तरह से बोलें कि आप अपनी आवाज़ को दाएं कान में जाने दें और जो आवाज़ हमारे दाएं कान में जाती है वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है. ये इस रिसर्च में लिखा गया है, ये मैं बिल्कुल अपने पास से नहीं आपको कह रही. लिहाजा हमारी जो दाया कान होता है वो हमारी याददाश्त से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और इसलिए जब बच्चा पैदा भी होता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है. और ये चीज़ एक रिसर्च से भी प्रूव हुई है कि जो चीज़ आपके राइट ईयर से आपकी जाती है वो आपके दिमाग से डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है और वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है. लिहाजा अगर आप किसी बात को याद रखना चाहें तो आप उसको याद करने के लिए कोई मुनफरद तरीका अपनाएं. मसलन अक्सर तालिब इल्म जो है वो अलग अलग रंगों के हाईलाइटर पेन इस्तेमाल करते हैं. इवन हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में होते थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हमने जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो हमने पॉइंटर हेडिंग बनानी है वो हम पिंक हाईलाइटर से कर लेते थे, या जो हमने थोड़ा कम हमें पता था कि ये डिस्क्रिप्शन है उसको हम येलो हाईलाइटर से कर लेते थे. तो ये सारी चीज़ें आप मुनफरद अंदाज कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाएं. कुछ लोग रिलेट करके याद करने की आदत, मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट होता था वो रिलेट करके पढ़ता होता था. यानी कि उसने अपने घर की कोई भी बुक थी या कोई भी ऐसी चीज़ थी तो उसने अपने घर के किसी उससे रिलेट करके उसने पढ़ना है और वो उसको याद रहता था. और ये उसने मुझे बताया तरीका कि मिस मैं इस तरह से याद करता हूँ तो मुझे याद रह जाता है. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिनको रट्टा या इस तरह की चीज़ों से उलझन होती है, तो वो यही तरीका कार अपनाते हैं और मेरे ख्याल से किसी ना किसी हद तक ये बहुत जो है वो आसान भी होता है और आपके लिए चीज़ें फॉर द लॉन्ग रन याद भी रहती है. अच्छा, अगर आप जो आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा और याद भी नहीं हो रहा, तो याद करने की एक टिप ये भी है कि आप जो पढ़ रहे हैं बेसिकली पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें. अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो मेरा ख्याल आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे ना, आप उसको कभी याद नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली पर्पज़ क्या है, जो टॉपिक है आपका, इवन आप किसी उसके हवाले से पढ़ रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कुछ भी है, आप जब तक उसको समझेंगे नहीं. आप बच्चे को भी अगर देखें, अगर आप बच्चे को किसी वर्ड के स्पेलिंग याद करने को देंगे जब तक
तक आप उसको उसका मतलब नहीं बताएंगे, उसको कोई सेंटेंस नहीं बताएंगे, कुछ रिलेट नहीं करेंगे, तब तक वो बच्चा भी उस स्पेलिंग याद करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया, और डेफिनेटली आप भी जब अपने घर में बच्चों को देखते होंगे या पढ़ाती भी हैं जो खवातीन या जो मर्जात, उनको आइडिया होगा कि बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है उसी वक्त एनहांस होती हैं जब वो प्रॉपरली एक चीज़ को समझ लेते हैं। इसके साथ साथ जनाब, पढ़ने के बाद आपके लिए आराम, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोना क्या है, क्योंकि जब आप पूरा दिन पढ़े होते हैं या आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें, आपके माइंड को भी रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और जब आप रिलैक्स करते हैं तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में महफूज रहती है। इवन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी रात भी लगाए तो आधा घंटा एक घंटा अपने दिमाग को रेस्ट दें, सोएं, रेस्ट करें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जो हैं जहन नशीन हो जाएँ और आपको पता हो कि आपने क्या याद किया है, क्या पढ़ा है। तो लिहाजा जनाब, आप अपनी इस दिमाग की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं इनको याद रखने के बहुत सारे तरीकेकार अपना सकते हैं। और आज जो हमारे पास लेटर प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी हैं, वो भी हमें बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको बेहतर तौर पर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने दिमाग की जो एबिलिटीज़ हैं। तो ये तो थी आज की जनाब रिसर्च हमारे पास, जो हमने आपको बताई है कि आपके दिमाग के जो दो पोर्शंस हैं, दो मेमोरीज के हिस्से हैं, उनको आपने किस तरह से बेहतर तौर पर काम करना है। जनाब, अगली रिसर्च कुछ इंटरेस्टिंग मजे की भी है, मैं ये भी पढ़ी थी तो मैं हैरान हुई। जनाब, दिन में 10 मरतबा सोने वाली एक लड़की है, अजीब सी तो नहीं, लड़की की आदत अजीब है, लड़की सही होगी। जनाब, निकोल नामी लड़की को नार्कोलेप्सी का शिकार है और ये दिन में कई मरतबा सो जाती है। ये एक ऐसाबी आर्जा है जिसमें मुब्तला 14 साल लड़की है जिसे दिन में 10 मरतबा नींद आती है, यहाँ तक कि वो शॉपिंग करते हुए और हॉकी खेलते वक्त भी सो जाती है। और ये जो कैफियत है और जिसमें दिमाग को, नींद को बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़िम नहीं रखा जा सकता और इसे नींद किसी भी दौरान आ सकती है, मगर कोई ना कोई एक्टिविटी भी अगर वो कर रही है तो उसको ही नींद आ जाएगी। इस तरह हंसते वक्त या खौफ की सूरत में भी वो फर्श पर लेट कर थोड़ी देर के लिए, जैसे उसको कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो तो वो गिरकर सो जाती है। लेकिन स्कूल में उसकी जो अटेंडेंस है वो 100% है और इसी तरह सेहत में भी उसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है। स्कूल के अलावा बाजार में भी वो किसी भी वक्त ख्वाब में, मतलब वो सोने वाली कंडीशन में चली जाती है। इसके अलावा इलाज किया जा रहा है उसका जनाब, इलाज से कबल वो दिन में 23 घंटे तक सोती थी लेकिन अब दवाई खाने के बाद वो रोज़ाना 3 से 4 घंटे तक सोती है, लेकिन नींद के वक्फों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इसको 6 बरस की उम्र में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ नार्कोलेप्सी का, और इसने हल्क में दरीना जो खराश महसूस की और उसके बाद उसकी वालिदा जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखती रही। लिहाजा इन सब परेशानियों के बावजूद कहा जाए तो बेहतरीन इंजीनियर है और उसने अपने जैसे मरीजों के लिए खास तकिया भी ईजाद किया है, और इस तकिए से बरतानिया में ऐसे 30,000 जो पेशेंट्स हैं वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और एक और दिलचस्प कह लें ये उसके बारे में फैक्ट है कि उसने अपने ही जैसे पेशेंट्स के लिए एक तकिया जो दरियाफ्त किया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है इनके साथ जनाब, वो क्या है कि वो टीवी पर मजाहिया या हॉरर मूवीज देखते हुए जो उनकी मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं और वो कई घंटों तक जो है वे सख्ते की आलम में भी रहती हैं। लिहाजा उनके जो वालिदैन हैं वो उनको इस सूरत हाल से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह करे रिकवर कर जाए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट था जो हमने आपके साथ शेयर किया और आपको बताया कि किस तरह से ये जो लड़की है ये दिन में 10 घंटे सो जाती है और अब जो उसके इंटरवल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी जनाब, ये तो आपके साथ हमने आज के इंटरेस्टिंग रिसर्चेस शामिल कर ली, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेन की टाइमिंग्स भी मैं आपको दिखा देंगे कि अगर आप बाय ट्रेन ट्रेवल करने वाले हैं तो ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर के टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर होंगे। जी जनाब, फ्लाइट और ट्रेन के टाइमिंग्स आपको जान लिए, बल्कि ट्रेन के टाइमिंग्स हमने आपको बता दिए, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास, मैंने आपके साथ इंट्रो में भी शेयर किया कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए या आपकी जो मेमोरी है उसको एनहांस करने के तरीका क्या होने चाहिए, लेकिन आज हम डिमेंशिया पर बात करने वाले हैं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरह से इम्पेक्ट आती है। तो जनाब,
आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डिमेंशिया। डिमेंशिया के हवाले से बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, लेट सिम्टम्स क्या है, किस तरह से इसको रिकवर किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर बाबू भट्ट जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करेंगे, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिमेंशिया, इन तमाम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल जी। डिमेंशिया एक इस तरह की डिज़ीज़ है जो कि सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरिया है, स्पेशली इन द ओल्ड एज ग्रुप। जब हम देखते हैं अपनी सोसाइटी का पैरामीड, तो आज ही मैं देख रहा था कि तकरीबन 8 मिलियन पर्संस आर अफेक्टिंग और इन द अबव 60 एज। तो उन 8 मिलियन में से 8.8% पर 100 पीपल इस तरह के हैं जो किसी ना किसी तरह से दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह डिमेंशिया होती है। ठीक है। अब डिमेंशिया जो है वो क्या है? याददाश्त का भूल जाना। अब ये याददाश्त जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली डिमेंशिया में दोनों किस्म की चीज़ें जो है ना ऐसा ऐसा अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। डिमेंशिया की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज पर इसकी सिम्टम्स जो है वो कम होती हैं, जो जो बीमारी जो है वो आगे आगे बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस होती है, तो उसमें डिमेंशिया में यही सिम्टम जो है वो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता और डिसोरिएंटेड हो जाता है बिल्कुल, तो वो उसकी आखिरी स्टेजेस में आ जाता है। तो डिमेंशिया को बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और दोनों के हवाले से कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डिमेंशिया बेसिकली आपने बताया कि याददाश्त का जो भी भूलना है वो द लॉन्गर, क्या किस एज में इसके सिम्टम्स जो होना आया होना शुरू हो जाते हैं, और मोस्टली जो लोग इसका शिकार होते हैं उनका एज फैक्टर भी हम डिस्कस करें, और क्या अर्ली एज में उनके रिस्क होते हैं जिसको अवॉइड किया जा सके? दो तीन चीज़ें डिमेंशिया के हवाले से बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि डिमेंशिया इस तरह की बीमारी नहीं है जो कि ज़्यादातर मोरसी बीमारी के तौर पर कंजेनिटल डिजीज में आती हैं, क्योंकि 5 से लेकर 10% तक लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जो जेनेटिक फैक्टर है वो कोई रोल प्ले करता है। इन लोगों में ये बीमारी ज़रा पहले आना शुरू हो जाती है, अर्ली एज में आ जाती है, लेकिन अमूमन जो बीमारी ज़ाहिर होती है वो 55 साल के बाद ज़ाहिर होना शुरू होती है, जो कि कंजेनिटल फैक्टर जिसमें इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि ये एक बीमारी भी है और ये एक अलामत भी है दूसरी बीमारियों की। तो अगर कोई दूसरी बीमारियां हो, जिस तरह ओल्ड एज में पार्किंसनिज्म हो जाती है, राशा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी ये हो सकती है, बहुत सारी और चीज़ें जिनमें फालज होता है उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो ये अगर इस वजह से हो तो ज्यादा उम्र में प्रेजेंट करेगी, अगर किसी कंजेनिटल डिजीज की वजह से है तो वो जरा जल्दी प्रेजेंट कर देगी, लेकिन वो उसका जो जो उसकी जो चीज़ है वो बहुत कम है। कंजेनिटल जो है वो वैल्यू इसकी 5 to 10% है सिर्फ, जो कि जेनेटिक्स के रिलेटेड है, बाकी सारी अक्वायर्ड है, जो कि हम अपने रहन सहन की वजह से अक्वायर कर रहे हैं या इर्द गिर्द के माहौल की वजह से अक्वायर कर रहे हैं। अगर हमें कोई बीमारी लगी हुई है हम उसका इलाज नहीं करवा रहे, जिसमें सरे फरिस्त आ जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और दूसरी बीमारियां, अगर किसी को फालज हुआ है, अगर कोई दिल के आर्दे में मुबतला है, उसके छोटे छोटे क्लाट बन गए हैं, वही क्लाट ब्लड के दौरान खून की हरकत की वजह से दिमाग में चले जाते हैं, उसकी वजह से छोटे छोटे इंसल्ट दिमाग को होती रहती है, उसकी वजह से जब बहुत ज्यादा इंसल्ट बार बार हो चुकती है तो दिमाग जो है वो अपने असल साइज से श्रंक हो जाता है और वो डिमेंशिया की तरफ जाना शुरू कर देता है मरीज। ऐसा ऐसा चीजों को भूलने की आदत हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कल क्या वाकयात हुए थे, आज सुबह क्या वाकया हुआ था, किस बंदे से मैं मिलके आया था, ये अर्ली अलामतें हैं, बैठा बैठा खो जाता है। लेकिन यही अलामतें जब शिद्दत अख्तियार करती हैं तो फिर वो अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। वो किस तरह से डॉक्टर, क्योंकि सिम्टम्स का आइडिया हो जाए ताकि जो लोग हमें देख भी रहे हैं, नॉर्मली लोगों को डिमेंशिया के बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और अगर होगी भी तो सिम्टम्स को देखकर वो इतना ज्यादा, जब उसके मेजर सिम्टम्स हैं या पहले के जो अर्ली सिम्टम्स हैं दोनों को डिस्कस किया जाए। जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें तो यही होगा कि जिस तरह से आपको चीज भूल गए हैं, अचानक से आपको किसी ने सवाल किया और आप उसको प्रॉम्प्टली उसका जवाब नहीं दे सके, जो क्विक एक्शन है वो आपका स्लो हो गया, फिर उसके बाद कोई ऐसा फैसला करने के ऊपर आएगा वो आपको उसमें करने में मुश्किलात पेश आती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन के वो किस एरिया के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, बस अब ऐसा भी होता है कि इंसान के बोलने की सलाहियत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो अल्फाज नहीं चुन पाता कि किस में वो उसको जवाब दिया जा सके, उसको ये पता नहीं होता कि किसी बार दफा तो ऐसे एरिया को अगर अफेक्ट कर दे कि जिसमें आपकी याददाश्त में नाम महफूज है तो नाम लेना मुश्किल हो जाता है, सिंपल अरिथमेटिक जैसे जमा के छोटे छोटे सवालात हैं वो हिसाब किताब में डेली उसमें मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी, वो नहीं कर सकेगा। लेकिन ये इनिशियल अलामत है, ये दो तरह की हो सकती हैं, एक तो ये है कि बीमारी की वजह से है और एक हमारी आजकल की तेज जिंदगी में
मुश्किल ये होती है कि हमें अटेंशन डेफिसिट होता है. सही. अटेंशन डेफिसिट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट डिमेंशिया. सही. डिमेंशिया को उससे डिफरेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सही. क्योंकि डिमेंशिया में तो ये एक बीमारी की अलामतें आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अटेंशन डेफिसिट है कि एक बंदा बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मुख्तलिफ चीजों में उलझा हुआ है, उसको याद नहीं रहता कि उसने चाबी किधर रखी थी. तो ये डिमेंशिया की सिम्टम नहीं होगी. ये इस वजह से है क्योंकि उसने अपनी रिकॉर्डिंग में उसको महफूज ही नहीं किया, क्योंकि वो किसी और तरफ से बिजी था. तो इन सारी चीजों को डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो आम अलामतें हैं और जो खास मैंने आपको पहले बताई हैं कि जिसमें सोचने और समझने की कुव्वत जो है वो भी मुतासर होनी शुरू हो जाती है. फिर एक बहुत नाम सुना जाता है, लोगों ने सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज. इसके अल्जाइमर्स के ऊपर बहुत सी बातें और बहुत सी बुक्स इवन मूवीज भी बन चुकी हैं. तो ये ऐसी चीज है जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करती है डेमेंशिया में. 60% से ज्यादा जो डिमेंशिया के मरीज होते हैं उनमें अल्जाइमर डिजीज की वजह से ये मसला होता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक खास प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर, जिसको बीटा एमालेज कहते हैं. बीटा एमालॉइड के बनने की वजह से वो दिमाग के अंदर एक स्टिकी मटीरियल जमा होना शुरू हो जाता है, विच इज अनवांटेड. यूजली वो तो दिमाग उसको नॉर्मल हालत में उसको अपने से निकालता रहता है, लेकिन जब वो ज्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल जो हरकत और सकनात जो दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है उसको उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करना शुरू करता है, यानी उनमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है. तो वो डेमेंशिया की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है. अब ये बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिव है. कभी तो ये होता है कि ये अमूमन शुरू होती है 55 साल से 10 साल तक, और इवन अगर उसको रोका जाए मुख्तलिफ अद्वियात के साथ तो 20 साल तक बंदा गुजारा कर सकता है. लेकिन अगर बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो तो इवन ये 5 साल में भी मरीज के खात्मे का बायस बन सकती है. अच्छा. सो इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए. अच्छा, एज की हम बात कर रहे थे तो एज ग्रुप में जो 50+ आपने कहा कि लोगों में इसके चांसेस और रिस्क बढ़ जाते हैं और सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, अर्ली एज में भी कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जिनको हम पहले से ही उसके रिस्क को जो हमें आइडिया हो कि लेटर एज में जाके डिमेंशिया इस तरह से रिलेटेड बीमारी का इशू हो सकता है. बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको शुरू से ही रोकना चाहिए. लाइक वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डायबिटीज, जिसको शुगर होती है, अगर किसी को शुगर है शुरू में अर्ली एज में हुई है तो उसको कंट्रोल किया जाए. किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए, जिसमें पत्तों वाली गजाओं का खाना, मतवाजन गजा का खाना, चिकनाई वाली चीज़ों को इस्तेमाल ना करना, ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आपके खून के दौरान में जो शरियानों को तंग करने का बाइस बनती हैं. देखें, वो खाली डिमेंशिया के लिए नहीं है, वो आपके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, वो आपके दिमाग के ऊपर जनरली भी इफेक्ट कर रही है और फॉलेज का बायस बन रही है, और उसके अलावा वो आपकी याददाश्त को भी कमजोर कर रही है. सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं ये कहूंगा कि वॉक करना बहुत जरूरी है. 5 दिन अगर कोई बंदा 40 मिनट रोजाना सुबह वॉक कर ले तो बेतहाशा बीमारियों से उसको छुटकारा मिल सकता है और उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, जिसमें डेमेंशिया भी शामिल है. अच्छा. और अगर किसी को ये अर्ली सिम्टम्स आ गई हैं फिर भी वो वॉक करना शुरू कर देता है और इन जो हेल्दी चीजें हैं इनको अपनाता है, तो उससे वो अपनी बीमारी को डिले तो कर सकता है, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है बीमारी के साथ भी. और ऐसे मरीज भी देखे गए हैं जो 15-20 साल तक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं डेमेंशिया के साथ, उनको पता होता है सिम्टम शुरू हो गई होती है लेकिन वो अपनाते हैं नई चीजों को. और दूसरा, तीसरा है सोशल सेटअप. आजकल हम खो गए हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर, हर दुनिया के हर खित्ते में हमारा रब्ता है, सिर्फ जो साथ बैठा हुआ बंदा है ना उससे हमारा रब्ता नहीं है. सो उसके बारे में वो शायर ने कहा था ना कि गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्त हो, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो. तो सबसे ज्यादा अपने करीबी बंदे के हाल से वाकिफ रहें कि उसको क्या हो रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दें, फिर अपने दोस्तों को टाइम दें, देन यू कैन गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो पूरी दुनिया खुली है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में. अब नई तहकीकात की गई हैं जिसमें ये शामिल हुआ, पता चला है कि अमेरिका में 9 से लेकर 11 घंटे तक लोग जो है वो मोबाइल को यूज कर रहे हैं या अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हैं. इसी तरह से जो बच्चे हैं वो बरतानिया में 5 से लेकर 7 घंटे तक अपने लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं. रिजल्ट क्या हुआ, अभी नए जरीदे में उसकी रिपोर्ट आई है कि इसी की वजह से जो ब्लू लाइट निकलती है उसकी वजह से ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ असरात होते हैं, जिनमें बच्चों में क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो 1 ग्रेड नीचे आ गई है हर सब्जेक्ट में. ये हमारे वालदेन के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन चीजों के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसको हमने रोकना नहीं है और ना ही इसको रोक सकते हैं, लेकिन इसको लिमिट करना चाहिए. ये आपकी बाकी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज ना हो,
یہاں تک کہ وہ آپ کی آئی سائٹ کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کر دے یا ان دا لانگ رن وہ ایسی چیزیں اندر بنانا شروع کر دے جو بعد میں جا کر یادداشت کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں اور ہمیں آج سے ہی اس کے اوپر افیکٹ کرنا کرنا شروع. بات کریں میڈیکیشن پہ بھی جاتے ہیں جو ڈیمینشیا کے پیشنٹس ہیں ان کو؟ میڈیکیشن جو ہے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ اس کا ہے بالکل, وہ ہے, اس کو صرف ڈیلے کیا جا سکتا ہے. یعنی جو چیزیں اندر رطوبتیں بننا شروع ہو گئی ہیں کچھ ان کو روکتی ہیں, کچھ جو ہے وہ آپ کی فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ فالج کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کی ایسی میڈیسن دی جا سکتی ہیں کہ جس میں خون کو پتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر اس کا افیکٹ نہ کر سکے. میڈیکیشن ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. کیونکہ دو قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ڈیمنشیا کر سکتی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا جس طرح الزائمر ہے یا اس طرح کی دوسری ڈیزیزز جس میں کوئی رتوبتیں بن جاتی ہیں. دوسری بیماریاں بھی اس طرح کی موجود ہیں جو کہ اسٹرکچرل برین اناٹمی کو ڈسٹرب کرتی ہیں, یعنی کہ جو ساخت ہے برین کی اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح سے ٹیومرز ہیں مختلف, اگر وہ اس ایریا میں ہیں جو کہ جس کو ہم اپنے حرف عام میں امیگڈلا کہتے ہیں, ہپوکیمپس کہتے ہیں, یہ ایریا ہے جہاں پر میموری محفوظ ہوتی ہے. اگر اس ایریا میں خدا نہ خاصا کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, کوئی ٹیومر بننا شروع ہو گیا ہے, یا پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ پڑی ہوئی, اگر پانی کی تھیلیاں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں, تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ کو فوراً اپنے نیورو سرجن سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. کیونکہ ان چیزوں کو وہاں سے یا تو دوائیوں کے ذریعے یا پھر سرجری کے ذریعے ریموو کرنا پڑے گا. اگر یہ ہائیڈروسیفلس یا پانی کی تھیلیاں بڑھ گئی ہیں, جو کہ عموماً اولڈ ایج گروپ میں ہوتا ہے اور وہ بھی ڈیمنشیا سے پریزنٹ کرتے ہیں, یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح انہوں نے ناشتے میں کیا چیز کھائی ہے, اسی طرح سے آہستہ آہستہ ان کے چلنے کی حس میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یورین وغیرہ بیڈ کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا, وہ بڑھاپا نہیں آیا ہوتا, وہ پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو کہ پھول گئی ہوتی ہیں. تو ان کو جب آپ اپنے نیورو سرجن کو دکھائیں گے, وہ ان کا ڈائگنوسس کرے گا, تو پھر ہم اس کو ایک شنٹ ڈال دیتے ہیں جو کہ پانی دماغ سے نکال کر پیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے, جو ایکسٹرا پانی بنتا ہے, اور وہی مریض جس کو ہم لاغر بوڑھا اور اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ چلنا شروع کر دیتا ہے ودن 2-3 ڈیز. تو یہ قابل علاج چیزیں ہیں اور ہمارے نارملی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, بالکل اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کی. وہ سمجھتے ہیں جی بڑھاپا. آپ دیکھیں ڈیمنشیا کی ڈیفینیشن پہلے جو یہ کہا جاتا تھا سینائل ڈیمنشیا, کہ جی 60 سال سے بوڑھا ہو گیا یا 70 ایئر سے زیادہ ہو گیا تو اب اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب یہ ڈیفینیشن باہر کے ملکوں میں چینج ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایج از جسٹ اے نمبر, ایج جو ہے وہ آپ کے بڑھاپے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ ادروائز ہیلدی ہیں, یور مائنڈ از ایکٹیو, تو اگر آپ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی ان لوگوں کے کریں جن کا مائنڈ ایکٹیو ہے, تو ان کی ایج جو ہے وہ 60 سے 65 سے ابو ہوگی, لیکن ان کے برین میں شرنکیج نہیں ہوئی ہوتی, کیونکہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو لک آفٹر دیز تھنگز. ہمیں اپنے معاشرے میں ہمارے یہاں نارملی جس کو ڈیمنشیا ہے اس کو تو سمپٹمز کا آئیڈیا ہوتا ہے, لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا رویہ ڈیمنشیا کے پیشنٹس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو بھی اتنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جتنی ایک ڈیمنشیا کے پیشنٹ کو ہے. یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا, کیونکہ جو ڈیمنشیا کا پیشنٹ جب سویئر سٹیجز میں جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ بھی اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بھولنے کی عادت شروع ہو جاتی ہے, فیملی ممبر جو ہیں وہ ان سے تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ان کا جو رویہ ہے وہ ان کی طرف اچھا نہیں ہوتا, جو کہ ان کی بیماری میں ڈپریشن کا اضافہ کر دیتا ہے, اور وہ بھی انڈر سٹریس ہو کے وہی ڈیزیز جو کہ جس نے 5 سال میں پروگرس کرنا تھا وہ 2-3 سال میں پروگرس کر جاتی ہے. تو جو فیملی کاؤنسلنگ ہے وہ اس میں بے حد ضروری ہے, کیونکہ آپ کا مریض جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ بیماری لگ چکی ہے, 2-3 سال بھی گزر چکے ہیں, وہ چیزوں کو بھول بھی رہا ہے, آپ کو اپنا ٹائم اس کے ساتھ زیادہ سپینڈ کرنا چاہیے, اس کی میموریز جو ہیں پرانی جتنی اس کے پاس رہ گئی ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے, اس سے کچھ ایسے ڈیسیژن لینے چاہیے کہ وہ فیوچر کے بارے میں کیا کرنا چاہتا تھا. کیونکہ ایک سٹیج تو اینڈ پر ایسی بھی آ جاتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں فیٹل برین فیلئر ڈیو ٹو ڈیمنشیا, جس طرح آپ کا ہارٹ فیلئر ہوتا ہے یا کوئی اور, دس از اے نیو ٹرم وچ از کالڈ فیٹل برین فیلئر, کہ وہ آپ کا برین نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا, اب بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں یہ میرا ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, ایون بیٹا بیوی سب کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی برین جو ہے کیونکہ کام نہیں کر رہا, تو برین صرف ہماری یادداشت کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے, تو وہی چیزیں جو ہیں وہ باڈی کے دوسرے چیزوں کو بھی افیکٹ کرنے شروع کر دیں. ایک تحقیق میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کینسر کی وجہ سے اولڈ ایج میں جو ڈیتھ ہوتی ہیں ڈیمنشیا کی وجہ سے اس سے زیادہ ہو رہی ہیں. کیونکہ جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اٹ از ناٹ این اینڈ اسٹیج ڈیزیز, لیکن اب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پیپل ڈو ڈائی وتھ ڈیمنشیا,
कि इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, जिसमें जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि ओल्ड एज में काउंसलिंग, फैमिली की काउंसलिंग, उसके साथ टाइम को बिताना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ट्रीटमेंट के भी डॉक्टर साहब फेजेज होंगे डेफिनेटली, अर्ली सिम्टम्स पे डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, जो लेट सिम्टम्स आएंगे उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो उस हवाले से बताएं। अब सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करता है कि डिमेंशिया उसको किस वजह से हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डिमेंशिया जो है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, लाइक अगर उसको पार्किंसनिज्म है तो उसका इलाज अलग है, अगर कोई उसे और कंजेनिटल डिजीज है तो उसका इलाज डिफरेंट है। वो दवाइयों के साथ हम उन चीज़ों का एक तो बनना रोकते हैं, दूसरा ये करते हैं कि उसकी बीमारी को हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। ऐसी कोई डिजीज वो नहीं, दवाई नहीं आई कि जिससे बिल्कुल इसको खत्म किया जा सके, लेकिन हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर उसकी वजह से कोई सिम्टम्स हो रही हैं, कोई और अलामतें हो रही हैं इसके साथ, उसकी मेडिसिन से हम उनकी सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा काम यह है कि जो इस मर्ज में मुब्तला हुआ है पेशेंट, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी ज़िंदगी को इस तरह से करें कि वो आराम से ज़िंदगी अपनी गुजार सकें और सिम्टम फ्री गुजार सकें, और जितना डिले कर सकते हैं हम उसको डिले करें, क्योंकि पहले ये एक ओल्ड एज की बीमारी तसव्वुर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा कि फालज जिन लोगों को होता है बार बार, पहले वो पता नहीं चलता कि मरीज को फालज हुआ है, वो इस तरह का होता है कि बहुत माइनर सा होता है अटैक, और उसके बाद छोटी सी खून की शरियान जो है बंद हो जाती है, उसकी वजह से छोटा सा एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है। इस तरह ये चीज़ बार बार होती रहती है जो कि अननोटिस जाती है, पता उस वक्त चलता है कि जब मरीज़ में सोचने समझने की सलाहियत खराब हो जाती है, चीज़ें बोलना शुरू हो जाती हैं, डिमेंशिया का वो पेशेंट बन जाता है, तो उससे पता चलता है कि ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गया है इसका। इसको हम कहते हैं वास्कुलर डिमेंशिया। इसकी काज ये होती है कि आपके खून की शरियाने जो हैं वो वक्त के साथ साथ तंग हो रही होती हैं, और मेन काज इसका होता है जो कसरत से ये सिगरेट नोशी, जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं या इस तरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। सही। और अगर यही चीज़ें अर्ली एज में, जिस तरह आपने पहले भी मुझसे पूछा है कि अर्ली एज में कोई करना शुरू कर दे, तो उससे ये होता है कि नशे की वजह से टीन एज सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। सही। ये हमारे कॉलेजेस में और हमारे जो यूनिवर्सिटीज में इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। अगर इस तरह के कोई बंदा किसी में मुब्तला हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली उसकी हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो सोशल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चा इस तरह से कर रहा होता है, उसको घर में जो है वो आप तवज्जो नहीं दे रहे, इस वजह से वो इस तरह के दोस्तों में जाता है और उसमें लगा होता है, उसको मुकम्मल तौर पर हमें रोकना पड़ेगा, और इसमें फैमिली की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम मेमोरी इन्हांस करने की बात कर रहे हैं, मेमोरी जो लॉस होता है, लेकिन इसको मेमोरी इंक्रीज करने के लिए अर्ली एज में भी कुछ स्टेप्स होंगी डेफिनेटली जो आप मुख्तलिफ किस्म देखें। हमारी जो रिसेंट मेमोरी है ना, जो आज तक इन्होंने देखा है कि रिसेंट हमारी मेमोरी ये है कि 5 से 6 चीजें जो है वो हम याद रख सकते हैं 20 से 30 सेकंड तक। रिसेंट मेमोरी जो है इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि भूल जाती है। उसके बाद हमारी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हमारे पास वाकयात आ जाते हैं, जो हमारे साथ पहले से गुजरा हुआ है वो चीज़ें आती हैं, या महबूब चीज़ें जिनको हम बहुत अच्छी तरह से चाहते होते हैं वो हमारे अंदर हमेशा रहती हैं। बाकी सारा कुछ डिमेंशिया का पेशेंट भूल जाता है, लेकिन उसको वो चीज़ों से याद रहती हैं एंड के ऊपर, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी ज़िंदगी में 1 या 2 बार होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इन्हांस करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर हम मुकम्मल अटेंशन के साथ उसको नहीं देखते तो वही हिपोकैम्पस और अमिग्डाला में हमारे सिनाप्सिस ही नहीं बनते। वो चीज उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। जब हमने उसे देखा, उसके स्पेशल एरिया में एक चीज बन गई, वो हो गई कि रजिस्टर्ड होके हमारे दिमाग के अंदर उसने कहीं फेंक दी। जब दोबारा उसी तरह के हालात होते हैं या हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो डेट इज कॉल्ड रीमेमोराइजेशन। तो वही सिनाप्सिस दोबारा एक्टिवेट होते हैं, करंट वहां से पास होगी, जितने मजबूत आपने वो कनेक्शन उस वक्त पहली दफा देखने में बनाए हैं उतना ही वो अर्ली आपको चीजें जो है वो याद आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसलिए रेपिटिशन, याद करना जिसमें हम कहते हैं वो जरूरी है, जिसमें आप चीजों को रिपीट करें, या जब आप पहली दफा उस चीज को देख रहे हैं तो उसको इंतहाई गौर से उसका मुशाहिदा करना, ये रजिस्ट्रेशन के अमल में काम करता है। ठीक हो गया। और ये लॉन्ग टर्म तक आपको जो काम आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वाले को देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिमेंशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, और इससे बचाव की तरतीब जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से के ब्लड प्रेशर, शुगर का कंट्रोल, फालिज से महफूज रहना, सिगरेट नोशी से परहेज, नशावर अदवियात से परहेज, इन सारों को हमें अपनी जिंदगी का और हेल्थी लाइफस्टाइल जो कि बहुत जरूरी है, वॉक करना, सोशल सेक्टर में, क्योंकि जो आपकी जो हेल्थ है दैट इज नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, दिस इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो कि WHO ने कहा है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ होगी,
फिजिकली भी आप ठीक रहेंगे और सोशली भी ठीक रहेंगे। ठीक हो गया, जो डेप मैसेज है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब डिमेंशिया के हवाले से हमने आज आपको सिम्टम्स भी बताए, इसके ट्रीटमेंट भी बताया और ये भी बताया कि अर्ली एज में इसके रिस्क जो है वो आप किस तरह से कम कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।